अस्सलाम वालेकुम एंड लेट्स गेट राइटिंग। ये हमारा सेशन है लिमरिक्स एंड जिंगल्स के ऊपर। अब आप सोचेंगे लिमरिक्स जिंगल्स अगेन ऐसा टॉपिक, इसका फ्रीलांस या एंटरप्रेन्योर से क्या ताल्लुक? इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। लिमरिक्स हमारे हिसाब से आजकल की जो नई कम्युनिकेशन का दौर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं बिकॉज इट्स फनी एंड फनी कॉन्टेंट इज़ वायरल कॉन्टेंट एंड वी सीन दैट ऑल अलॉन्ग। तो जैसे जैसे इंटरनेट और डिजिटल इन्वायरमेंट का हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रोल आता जा रहा है, उसी तरह लिमरिक्स और जिंगल्स जो हैं वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। सो वॉट इज़ अ लिमरिक? अ लिमरिक इज़ अ सिली पोएम विथ फाइव लाइन्स। सिर्फ पाँच लाइनों की इंतहाई स्टुपिड सी सिली सी पोएम को लिमरिक कहते हैं। दे आर ऑफन फनी और नॉनसेंसिकल, यानी कि ना उनका सर होता है ना पैर होता है, बस एक हंसी मजाक के लिए एक चीज़ होती है एंड दे आर फनी। दे बेसिकली दे से दैट इसका जो ओरिजिन है वो आयरलैंड में हुआ था। जो सबसे ज़्यादा एक फेमस हमारे लिमरिक राइटर हैं वो है एडविड लेयर, और उन्होंने एक किताब लिखी थी बुक ऑफ नॉनसेंस 1800 में, और वो पूरी किताब जो है वो लिमरिक्स के ऊपर है। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं लिमरिक 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 कर रही हूँ तो लिमरिक होता क्या है? तो इसका एक जो हम बताते हैं कि इसको लिखने का तरीका ये है कि फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ लाइंस राइम विद ईच अदर, यानी ये जो पहली है और दूसरी है और जो पांचवी है उसकी जो आखिरी लफ्ज़ हैं वो राइम करते हैं एक दूसरे से, एंड दे हैव द सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स, यानी आठ या नौ सिलेबल्स होते हैं उनके, ताकि वो सिमिलर होते चले जाएँ, उसमें वो सिमिलैरिटी आ जाए। द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स राइम विद ईच अदर एंड हैव द सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स, यानी पाँच या छः सिलेबल्स होते हैं तीसरी और चौथी लाइन्स में जो कि राइम करती हैं एक दूसरे से। एंड लिमरिक्स ऑफन स्टार्ट विद देयर वंस वाज़ अ, और फिर आगे आप उसको लेते हुए चले जाते हैं। तो फिर जब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टार बाई कैटलिन ग्वेंथर इज़ अ वेरी फेमस वन। देयर वंस वॉज अ वंडरफुल स्टार हु थॉट शी वुड गो वेरी फार until she fell down and looked like a clown and she knew she would never go far। तो अब अगर देखा जाए तो इसका ना सर है ना पैर है, बट एक मज़े की फनी सी इंडिविजुअल किस्म की एक लिमरिक है, एक पोएम है। और ये क्रिएटिव राइटिंग में इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन दिस डे एंड एज। सो वेन यू गो ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीलांस वेबसाइट्स लाइक Upwork or those things, and they demand a writer, there is a demand for limerick writers as well. Another very big demand of limericks is on situation. So uska ek hum aapko example dete hain. There was an old man with a beard who said, "It's just as I feared, two owls and a hen, four larks and a wren have all built their nests in my beard." To again बात हम कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए से, क्योंकि इसका जो स्टाइल है राइटिंग का वो तो मैंने आपको बता दिया, जो रिदम एंड फॉर्म है। जितना जितना आप एग्ज़ाम्पल्स इसके सुनेंगे उतना उतना आपको जहन में पता चलता चला जाएगा कि लिमरिक होता क्या है एंड हाउ इट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम दी अदर्स। देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन हुज हैबिट्स इंड्यूस्ड हिम टू फीड अपॉन रैबिट्स। व्हेन ही'ड ईटन 18 ही टर्न्ड परफेक्टली ग्रीन, यानी कि एक आदमी था रैबिट्स खाता था, खा के इतने खा लिए कि ग्रीन हो गया, फिर उसने छोड़ दिए खाने। तो मगर अगर देखी जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिली किस्म की चीज़ है, मगर फॉर फन रीडिंग इट्स गुड एंड स्पेशली इट्स शॉर्ट। तो आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट का कॉन्टेंट बहुत शॉर्ट होता है। अनदर एग्जाम्पल, देयर वंस वॉज अ यंग लेडी हुज चिन रिजेंबल्ड द पॉइंट ऑफ अ पिन, सो शी हैड इट मेड शार्प एंड परचेस्ड अ हार्प and played several tunes with her chin. So, ab dekha jaye to, you know, it's funny. So, we move now towards jingles. Now, jingles jo hai, wo I think hum bachpan se sunte aa rahe hain. Ye ishtihar ka ya advertising ka ek bahut important part hota hai, hota tha, aur mere khayal mein hota rahega. So, for, jab hum advertising ke baare mein sochte hain, to foran humare dimag mein jingle aata hai. कोई आई एम श्योर आपको भी याद होगा, मुझे जो इस वक्त आजकल के ज़माने से याद आ रहा है वो कोको कोला का बड़ा फेमस हुआ था, जालिमा कोका कोला पिला दे। इसी तरह डालडा और मामता,
जो हमसे ज़रा से पुराने लोग या मेरे बचपन का मुझे याद है वो बिना का, सुबह बिना का, शाम बिना का, तो ये बहुत सारे ऐसे जिंगल्स हैं जो हम इश्तिहार से जुड़े हुए हैं और हमारी मेमोरी रिकॉल होती है जब हम उस गाने को या वो छोटा सा जो जिंगल होता है उसको याद करते हैं, हमें फॉरेन ब्रांड याद आ जाता है, जालिमा से हमें कोको कोला याद आ जाता है, मामता से हमें डालडा याद आ जाता है. सो रेपिटिशन टू साउंड ऑफ म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जिंगल्स. जिंगल्स आर वेरी ईजी टू रिमेंबर, याद रहना बहुत आसान है, सिंपल लिखे जाते हैं और उस ब्रांड के बारे में एसोसिएट करते हैं, जो फीलिंग होती है जो आप बेच रहे होते हैं चीज़ उसके बारे में आपको एक अच्छी फीलिंग देते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं. जिंगल्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. जिंगल की एक बहुत जो बात होती है कि अगर वो रेडियो पे आप सुने, ज़रूरी नहीं है कि टीवी के साथ देखें या उसके साथ विजुअल्स हों, अगर आप सिर्फ सुनेंगे ना तब भी वो इतना पावरफुल होता है कि वो आपको ब्रांड की याद दिला दे, वो एक अच्छा जिंगल होता है. तो हमेशा वो एक टेस्ट होता है जिंगल का कि अगर आप रेडियो पे सुने दैट इट डज इट. सो यू व्हेन यू आर राइटिंग अ जिंगल यू हैव टू फील इज़ इट फेमिलियर, इज़ इट ईजी टू रिमेंबर. ऐसे ही जैसे कि आप नर्सरी राइम याद करते हैं बाबा ब्लैक शीप वाली, उतनी ही आसान है और हमेशा याद रहती है और देर तक याद रहती है. तो जिंगल का देर तक याद रहना बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ द सक्सेस ऑफ अ गुड जिंगल. इट इन्फिल्ट्रेट्स योर मेमोरी एंड इट स्टेज देयर. तो साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया है कि म्यूज़िक का एक इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे. तो जिंगल जो है वो इसी तरह आपकी बॉडी पे और साइकोलॉजी भी इफेक्ट करता है और बड़े एक साइंटिफिक तरीके से करता है. तो बेहतर है कि आप इसको सुने, बहुत सारे जिंगल्स सुने, जिस तरह लिमरिक्स लिखे जाते हैं उन्हीं पैटर्न्स पे जिंगल्स को लिखें और ऐसे बनाएं कि वो जितना सिंपल मेलोडी हो, जितने सिंपल इस्तेमाल हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, उतना वो पॉपुलर होते चले जाएंगे.